सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आप सब लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर आज मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको अपना पोर्टफोलियो यानी कि जिस कॉइन्स के ऊपर मैं अपना SIP कर रहा हूँ फॉर द सीजन 2022-2023 पूरा शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे कॉइन्स बताए, प्रोजेक्ट्स बताए, बट फॉर मी मैं उनमें से कुछ बेस्ट प्रोजेक्ट चूज़ कर रहा हूँ, थोड़े से रिस्की ऐड कर रहा हूँ, थोड़े से मीडियम रिस्की ऐड कर रहा हूँ, सो दैट माई पोर्टफोलियो गेट डाइवर्सिफाई। मैं आज आपको भी स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा कुछ कॉइन्स के नाम जो कि मैं मेजर क्रिप्टो करेंसी में डिवाइड करता हूँ और कुछ को करता हूँ लो कैप मेजर क्रिप्टो करेंसी। मैंने जो भी SIP के अंदर प्रोजेक्ट चूज़ करी है, आई बिलीव दे आर द लीस्ट रिस्कीएस्ट इन द मार्केट बिकॉज उनका एक वर्किंग प्रोडक्ट है, उनकी टीम बहुत सॉलिड है, बहुत बड़ा उनका यूज़ केस है। Web3 का ट्रेंड जब आएगा वो चलेंगे, जब गेमिंग ट्रेंड आएगा तो वो चलेंगे, मेटावर्स आएगा तो वो चलेंगे, और बहुत कुछ है, और काफ़ी सारे ब्लॉकचेन्स है, काफ़ी सारे एक्सचेंज के टोकन्स है। तो मैंने डाइवर्सिफाई किया है अपने पोर्टफोलियो को और उसको डिवाइड कर दिया है, एक तो मेजर क्रिप्टो के पार्ट के अंदर जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा मार्केट का पैसा लगा हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं, और कुछ को डिवाइड किया है सेकंड पार्ट के अंदर जो कि है मिलियंस वाले। तो मैंने कुछ करीबन 17-18 कॉइन हैं जिनके ऊपर मैं SIP कर रहा हूँ, सेव इन्वेस्टमेंट प्लान को लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ जब एक बड़ा डिप आए। और आप लोगों को पता है कि अभी तक हमने एंट्री दो बार ली है जब मार्केट के अंदर मेजर क्रैशेस हुए, तो वहाँ से हम अच्छे खासे ऑलरेडी प्रॉफिट के ऊपर बैठे हुए हैं उन कॉइन्स के ऊपर। चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आपको उन कॉइन्स के बारे में बताता हूँ, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ को मैं समझाना भी चाहूँगा बिकॉज कुछ लोगों ने कल भी ये क्वेश्चन पूछा, सर आप कहते हो कि 2x के ऊपर प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए कभी कभार आप कहते हो, और कभी कभार कहते हो कि आपको 5x तक भी बुक नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, आपको दो तरीके से ट्रेडिंग करनी पड़ती है, एक होती है मार्केट जब होती है बुल सीजन, एक होता है बियर सीजन। जब मार्केट बियर सीजन में होती है हम कॉइन्स को बाय करते हैं एट द बेस्ट डिप्स, यानी कि बहुत नीचे के प्राइस पे हम उसको बाय कर लेते हैं, उसको हम 2 साल होल्ड करते हैं एंड वेट करते हैं मार्केट के अच्छे सीजन के आने का। अब हम अगर हमने उसको 2 साल होल्ड किया है और सीजन अभी स्टार्ट हुआ है और आपने कोई चीज़ 2 रुपीज़ में बाई करी है, सीजन स्टार्ट होती 4 रुपीज़ में अगर आपने उसको सेल कर दी तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ होल्डिंग फॉर 2 ईयर्स। यानी कि अगर अभी तो रैली आनी उसमें स्टार्ट हुई है, वो 2 रुपये की चीज़ जिसका ऑल टाइम हाई 50 रुपये था, अभी वो 4 आई और आपने वैसा अपने घर ले लिया, अपना जो लगाया हुआ पैसा था वो वापस ले लिया, तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने अपना पैसा तो ले लिया लेकिन आपको एक बड़ा प्रॉफिट अब उस पर नहीं हो पाएगा। तो जब आप एक बियर सीजन के अंदर एंट्री लेते हो, बियर सीजन के अंदर, और आप बॉटम पे 85% फॉल के बाद एंट्री लेते हो, तो जब बुल सीजन स्टार्ट होता है और आप उसी टाइम अगर एंट्री एग्जिट कर देते हो, 2x होते ही अपना पैसा ले लेते हो, तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक वेरी ह्यूज प्रॉफिट ऑन दैट प्रोजेक्ट। बट यहीं अगर हम उल्टी बात करें, अगर आपने बियर सीजन में एंट्रीज ली ही नहीं, आपने एंट्री ली बुल सीजन के स्टार्ट होने के ऊपर, अब वो 2 रुपये की चीज़ 30 रुपये हो चुकी है, और 30 रुपये की चीज़ जब आपने एंट्री ली वो 45 हो गई, 48 हो गई या 50 हो गई, एट दैट टाइम योर डिसीजन शुड बी कि मैं अब इस प्रोजेक्ट को अब एग्जिट करूं, अपना पैसा एटलीस्ट अपने पास वैसे वापस निकाल लूं और जो प्रॉफिट है उसको सिर्फ राइड करूं। तो ये 2 डिफरेंट सिनेरियोज है, एक है जहां पे आपने बियर सीजन में बहुत बेस्ट एंट्रीज बॉटम पे ली है, बहुत नीचे एंट्रीज ली है। इसका एग्जांपल अगर हम इसको कोरिलेट करें इथेरियम के साथ, तो इथेरियम $90 चला गया था, $90 से अगर किसी ने उसको 180 में बेच दिया तो ही जस्ट मेड 2x, बट इट वेंट टू $5,000। तो इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मैटिक ले लो आप, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और जितने आप नाम लेना चाहो, बुल सीजन के अंदर वो अपनी बियर मार्केट से बुल सीजन के अंदर बहुत ही गुना बड़े हैं। तो इस डिफरेंस को आप लोग समझने की कोशिश करो और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, सीधा कॉइन दिखाऊंगा, वीडियो एंड हो जाएगी, इसको आप इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है दैट इज ऑल अप टू यू, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा डाइवर्सिफिकेशन का फायदा। फॉर एग्जांपल मैं 18 कॉइन्स के अंदर 100 रुपीज ईच लगा रहा हूं, 2 साल के अंदर मेरे को सिर्फ 2 ऐसे कॉइन चाहिए जो कि 10x कर जाए, यानी कि मेरे को अगर 2 कॉइन ने भी 10x कर दिया तो मेरे पास हो गया 200 रुपीज जो मैंने इन्वेस्ट करा था वो पूरा वापस आ गया। यानी कि अगर वो जो 16 प्रोजेक्ट्स है सब जीरो भी हो जाएंगे, तो भी आई एम सिटिंग एट ब्रेक इवन, यानी कि मैं लॉस के सिनेरियो पे नहीं होऊंगा। तो अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन करता हूं तो उसकी पावर ये होती है कि मैंने अच्छे प्रोजेक्ट चूज करे पहली बात तो, और अच्छे प्रोजेक्ट चूज करने के बाद अगर उनमें से 2 प्रोजेक्ट ही सिर्फ 10x करे और बाकी सारे जीरो हो जाए, टेरा लूना हो जाए,
देन ऑल्सो आई एम सिटिंग एट ब्रेक इवन। डाइवर्सिफिकेशन का एक सबसे बड़ा यही फायदा है। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाना चाहूंगा मेजर कुछ कॉइंस और कुछ लो कैप कॉइंस जिनके ऊपर मैं SIP कर रहा हूं। अब आपकी चॉइस होगी, आप अपने कुछ और कॉइंस को एड ऑन करना चाहो तो फॉर श्योर कर सकते हो। दिस इज माय चॉइस, तो मैं अपने लिए पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं। एंड आई विल अगेन से आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो मैं जो कॉइन को कर रहा हूं आप उसको बाय मत करो, या उसको करो वो आपकी चॉइस है। और एट द एंड क्रिप्टो में वही पैसा लगाइएगा जो कि अगर आप लोग को लूज भी कर दो तो आपको उसका गम ना हो, बिकॉज टेरा लूना जैसी हिस्ट्री किसी भी कॉइन की हो सकती है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी ही है, बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे कमेंट, अपना ओपिनियन इस पोर्टफोलियो के बारे में, कॉइन्स के बारे में भी बहुत ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे 2024-25 के अंदर ये प्रोजेक्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे होंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर और आपको नाम दिखाना चाहूँगा। तो गाइस पहले कॉइन्स के मैं नाम बताऊंगा, उनका नाम है SIP मेजर क्रिप्टो, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज है उनके अंदर पहला प्रोजेक्ट जिसका नाम है डॉट, सेकंड इज FTT जो कि FTX एक्सचेंज का टोकन है, थर्ड इज माना, फोर्थ इज सोलाना का सोल टोकन, फिफ्थ इज नियर प्रोटोकॉल का नियर टोकन, सिक्स्थ इज LRC दैट इज लूप रिंग, सेवन्थ इज थेटा, एट्थ इज मैटिक। तो ये 8 प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर मैं मेजर क्रिप्टो करेंसी के, यानी कि जिनके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं, मैं इनके ऊपर SIP कर रहा हूं और 2 एंट्री ऑलरेडी ले चुका हूं। अब अगर मैं सेकेंड एंट्रीज की बात करूं तो उसके अंदर थोड़ी सी करेंसीज है जो कि आप कह सकते हो एसेट्स है, प्रोजेक्ट्स है जो कि अभी लो कैप है, यानी कि 100 मिलियन, 20 मिलियन, 70 मिलियन, ऐसे इनकी अभी मार्केट कैप फिलहाल है। नंबर 1 उस लिस्ट के अंदर मैं बात करूंगा उसका नाम है बाइकोनॉमी, नंबर 2 इज ओशियन प्रोटोकॉल, नंबर 3 इज ट्रैवला का टोकन एवा, नंबर 4th इज वैक्स, नंबर 5th इज मूवर, नंबर 6th इज रारीबल, यानी कि NFT के अंदर बहुत बड़ा रोल हो सकता है रारी का आने वाले वक्त में भी, 7th इज किल्ट, 8th इज गाला और 9th इज बिट जो कि बायबिट का टोकन है, क्योंकि बायबिट बहुत कुछ अच्छा करता जा रहा है और उसका रिजल्ट जो है आने में 1-2 साल लग जाते हैं, तो आई एम एक्यूमुलेटिंग बायबिट का बिट टोकन भी, क्योंकि वो अच्छे कह सकते हैं रीजनेबल प्राइस के ऊपर भी फिलहाल मिल रहा है। तो ये 9 और 8 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया, 17 प्रोजेक्ट्स जो कि मैं फिलहाल एक्यूमुलेट कर रहा हूँ मेरे पोर्टफोलियो के अंदर SIP के अंदर बीयर सीजन के अंदर फिलहाल के लिए, और 2 एंट्रीज मैं इन पर ऑलरेडी ले चुका हूँ और आई होप आप लोगों ने भी ऐसी एंट्रीज ले चुके हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड मेक श्योर वीडियो को बहुत सारे लाइक्स, कमेंट एंड अपने रिव्यूज जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा।